लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद होने के कारण कच्ची शराब का धंधा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए पुलिस अभियान चलाकर अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को सील किया जा रहा है। अभियान के दौरान अब तक लगभग 100 से अधिक FIR दर्ज किए जा चुके हैं। एसएसपी ने बताया कि अवैध कच्ची कारोबारियों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लोगों से गुजारिश की है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और जहरीला शराब का सेवन कतई ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, लॉकडाउन में बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित है और आप देख रहे हैं जो शराब की दुकानें उसे आबकारी विभाग सील भी कर रहा है कि वो चोरी छुपे ना बेचने पाए। इसके साथ ही जो कच्ची शराब और अवैध शराब है उस पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और लगभग 100 से अधिक FIR हम दे चुके हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। और जो भी अपने कानून हाथ में ले रहा है, इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहा है शराब बेचने या बनाने की या कच्ची शराब की, पुलिस उसे बहुत सख्ती से पेश आ रही है और लगातार इसमें कार्रवाइयाँ जारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बुराई को हम जो है दूर रखेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोरोना को देखते हुए ये सब बहुत चीज़ें हानिकारक है और जिनको ये इस तरह की खबर कहीं मिलती है कि कहीं इस तरह से कच्ची या नकली शराब बिक रही है, तुरंत पुलिस को बताएं, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।